नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से वो कई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वो निकल कर आ रही है, जिनमें बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से। जी दोस्तों, जामिया यूनिवर्सिटी के पास हो रहे संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हुई फायरिंग, एक युवक हुआ जख्मी, आपको पूरी खबर बताएंगे। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार से, संशोधित नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कन्हैया कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको पूरी खबर बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप देश के अंदर निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे देश के अंदर हमारे जैसे पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनका मनोबल बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके। जिससे दोस्तों हमारे जैसे पत्रकारों का मनोबल बढ़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा आम गरीब जनता की आवाज सरकार के सामने उठाएंगे और सरकार के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमें मनोबल मिलेगा। आज की पहली बड़ी अब वो खबर निकल कर आ रही है देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों के अंदर शुमार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से। जी दोस्तों, जामिया यूनिवर्सिटी के पास हो रहे संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में बंदूक लेकर घुसा युवक फायरिंग कर बोला, ये लो आज़ादी। जी दोस्तों, एक बहुत बड़ी साजिश ये बताई जा रही है। और आपको बता दें दोस्तों कि जामिया यूनिवर्सिटी के पास हो रहे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में एक शख्स खुलेआम बंदूक लेकर घुसा और फिर फायरिंग कर दी। और इस दौरान उसने फायरिंग करते हुए कहा कि ये लो आजादी, और साथ में उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। जी दोस्तों, और इस फायरिंग के अंदर एक आदमी जख्मी भी हुआ है। घटना दोपहर लगभग 2 बजे की है और इसका न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र राजघाट तक पद यात्रा निकालने की तैयारी में थे, तभी एक युवक आया और उसने ये लो आजादी और दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और गोली सदाम नाम के एक छात्र के हाथ पर लगी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में उत्तरी राज्यों के हजारों लोग और छात्र संगठनों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इनमें से अधिकांश लोग शाहीन बाग के अंदर विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली के अंदर लगभग 50 से ज़्यादा जगहों के ऊपर शाहीन बाग की तर्ज पर बड़े विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, परंतु अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल के द्वारा इस प्रकार की खबरें नहीं दिखाई जा रही है। सिर्फ एक शाहीन बाग की खबरें वो देश के अंदर हाईलाइट की जा रही है, जिन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोट बैंक का रास्ता भी अपना लिया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि देश भर के अंदर विभिन्न स्थानों पर संशोधित नागरिकता कानून NRC और NPR को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें दिल्ली के शाहीन बाग के साथ साथ 50 से अधिक इलाकों में विरोध हो रहे हैं। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के इटावा, लखनऊ और कानपुर जैसे जगहों के ऊपर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज की अगली बड़ी खबर वो निकल कर आ रही है बिहार से कन्हैया कुमार की तरफ से। जी दोस्तों, संशोधित नागरिकता कानून NRC NPR के खिलाफ जनगणमन यात्रा शुरू करने जा रहे थे कन्हैया कुमार, पुलिस ने बिहार में किया गिरफ्तार। जी दोस्तों, CPI नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बिहार में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार संशोधित नागरिकता कानून NRC NPR के विरोध में 1 महीने की जनगणमन यात्रा की शुरुआत करने के लिए बेतिया जा रहे थे, जहां उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कन्हैया कुमार ने ट्वीट कर बताया कि आज बापू धाम यानी चंपारण में गांधी जी को नमन करके गरीब विरोधी संशोधित नागरिकता कानून NRC NPR के विरोध में 1 महीने की जनगणमन यात्रा की शुरुआत होनी थी और समाज के सभी तबकों के लोग इस यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए मौजूद थे, लेकिन प्रशासन हम सबको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा रोके जाने के बाद कन्हैया कुमार ने गांधी आश्रम के बाहर धरने के ऊपर बैठ गए और कन्हैया कुमार ने कहा कि देश के अंदर सर्वराम गांधी जी के विचारों को रोंदा जा रहा है। कन्हैया कुमार ने लगातार पूरे बिहार के अंदर घूम घूम कर संशोधित नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के अंदर हिस्सा लेने जा रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के द्वारा लगातार संशोधित नागरिकता कानून NRC और NPR को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और जिसको लेकर बिहार के अंदर वो 1 महीने पूरे बिहार के सभी जिलों के अंदर घूम घूम कर संशोधित नागरिकता कानून NPR और NRC के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे, परंतु वहां पर सरकार इनसे डरते हुए इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया और इनकी यात्रा को शुरू अभी तक होने भी नहीं दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि देश भर के अंदर बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के अंदर भारी विरोध हो रहे हैं।